हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाव गार्डनिंग। दोस्तों, आज मैं आया हूँ नर्सरी में। तो नर्सरी में एक्चुअली मैं प्लांट लेने आया था। मैं आया किसी और काम से था, बट आप जानते हैं जब मैं निकलता हूँ और अगर मुझे बीच रास्ते में कहीं प्लांट्स दिख जाते हैं और अगर वो मुझे पसंद आए तो फिर आप जानते हैं गार्डनर्स की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि प्लांट्स लेके ही जाते हैं। तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ है और अभी मैं आ गया हूँ माँ मनसा नर्सरी। इसके पहले भी मैंने आपको यहाँ पर विज़िट कराया हुआ है और ये काफ़ी अच्छी नर्सरी है। काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको जो है यहाँ पे प्लांट मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लांट लेने आया था, सोचा कि आपको भी दिखा देता हूँ ओवरव्यू कि विंटर्स में कैसे कैसे प्लांट्स आए हैं और आप अपने घर पे रहकर भी इंजॉय कर सकें। और आप देख रहे हैं आज मैंने मास्क पहना हुआ है क्योंकि मास्क बहुत ज़रूरी है पहनना। इस समय आप देख रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी, इसलिए मैं इसको लगा के आया हूँ। अगर आप भी नहीं लगा रहे हैं तो प्लीज़ लगाइए क्योंकि वैक्सीन आने के पहले यही हमारी ढाल है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जब हम इंट्रेंस करते हैं नर्सरी पे तो आप देख सकते हैं, पहले भी आप आ चुके हो, अगर आप मेरी वीडियो रेगुलरली वॉच कर रहे हो तो आप देखे होगा कि आपको मैं पहले भी इस नर्सरी में विज़िट करा चुका हूँ। और आप यहाँ बस देख सकते हैं काफ़ी सारे अब नए नए वैराइटीज़ के जो है प्लांट्स आ चुके हैं इधर पे और काफ़ी लोग लेने भी आ रहे हैं। और समटाइम्स आप देखोगे कि थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाता है, डिफरेंट वैराइटीज़ मिल जाती है नर्सरी में। तो आज मैं देखने की कोशिश करूँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या ऐसे कुछ नए प्लांट्स आए हैं जो हम इस विंटर्स में ले सकते हैं। सो बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हैं ये परमानेंट हमारे जो है इंडोर प्लांट्स लगे हुए हैं। ये तो चलिए रहते ही हैं हर सीज़न में। आज हम बात करेंगे विंटर्स फ्लोरिंग प्लांट्स की। तो सबसे पहले आता है दोस्तों, अगर विंटर फ्लोरिंग प्लांट्स की हम बात करें और रोज़ की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रोज़ की पूरी वैरायटी लगी हुई है। तो इस नर्सरी की खास बात यह है कि ये डायरेक्ट कोलकाता से यहाँ पे जो है प्लांट्स आते हैं, यहाँ फ्लावर्स आते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट आके परचेज़ कर सकते हैं और आपको काफ़ी फ्रेश और अच्छी वैरायटीज़ में जो है प्लांट्स मिल जाते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे कलर्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और इसमें रेड वैरायटीज़ भी काफ़ी सारी कलर्स की आने लगी हैं। तो अब अपने हिसाब से जैसा आप चाहो वैसा परचेज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर और भी कुछ कलर्स हैं, कुछ ये ऑरेंज में कलर्स हैं, ये कुछ पिंक्स में कलर हैं और हमारे एवरग्रीन रेड कलर्स के जो काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं बिगनर गार्डनर के, अगर आप देखा जाए तो। ये देखिए यहाँ पर इसका कुछ लगा हुआ है और यहाँ पे भी जो है वैरायटीज़ लगी हुई हैं कुछ रोज़ प्लांट की। आइए हम इसमें भी कलर्स आपको दिखाते हैं। देखिए काफ़ी सारे इसमें भी वैरायटी आती है। अब देखिए आप यहाँ पर ये फ्रिल वाला रोज़ है और ये जो गुच्छे में आता है काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो ये वो वाली वैरायटी है। तो जैसा आपको कलर पसंद आता है वैसा ले सकते हैं। देखिए लाइट मरून टाइप का कलर है और देखिए कि ये कितना यूनिक कलर है, तो ये भी मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। तो हो सकता है कि मैं भी यहाँ से कुछ लेके जाऊँ। वैसे भी मैं लेने ही आया हूँ, पर ज़्यादातर ये होता है कि मैं इग्नोर करता हूँ क्योंकि फिर अगर मैं प्लांट लेने लग जाता हूँ तो फिर प्लांट ही प्लांट की परचेजिंग हो जाती है। इसलिए मैं थोड़ा सा आज जो है कोशिश करूँगा कि प्लांट लेके जाऊँ पर इतने नहीं। और देखिए यहाँ पर सब तो ये काफ़ी वैरायटी आप देख सकते हैं। सो बेसिकली ये जो नर्सरी है दोस्तों, माँ मनसा नर्सरी, आपको एयरपोर्ट रोड, अगर आप सतना में रहते हैं मध्य प्रदेश में, तो आपको बिहाइंड द एयरपोर्ट रोड पे आपको मिल जाएगी। आप पता करेंगे तो इजीली आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं भी आपको थोड़ा देर पर जो इनका कार्ड है, विजिटिंग कार्ड या कुछ बैनर्स होंगा तो आपको वो भी दिखा दूँगा। तो यहाँ पास लगे हुए हैं कुछ मैरीगोल्ड्स। मैरीगोल्ड भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला प्लांट है विंटर्स में। इसके भी आपको काफ़ी सारे कलर्स मिल जाते हैं, तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं। नर्सरी में आप जाके एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए, तभी आपको जो है अंदाज़ा लग पाता है कि आपको कौन से प्लांट जो है पसंद आ रहे हैं और आपके अकॉर्डिंग, घर के अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा जो है होता है प्लांट आप उसे लगाना चाहते हो। क्योंकि जो जनरली फ्लावर वाले जो प्लांट होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर धूप आती है वहीं पर अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसलिए आप जो है अपना थोड़ा घर का देख लीजिए जगह की कैसी जगह पे आपका डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लांट परचेज कर सकते हैं। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा पसंद करने जाने वाला जो है ये फ्लावर है और मेरा अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है मुझे ये प्लांट। इसका नाम है दोस्तों पेटूनिया। तो ये इसमें काफ़ी सारे आपको मल्टी कलर्स ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये भी काफ़ी आपको ईजिली मिल जाते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ नर्सरी में आपको ईजिली मिल जाएंगे। देखिए आपको भी यहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटीज मिल जाती हैं। अभी ये है वर्बीना, तो भी वर्बीना इतने अच्छे तरीके से फ्लोरिंग पे तो नहीं आया है, फिर भी जितना हो सकता है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
नेक्स्ट आता है दोस्तों गजानिया का, ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लांट है। मैंने आपके साथ लास्ट ईयर भी शेयर किया था इसको कैसे लगाना है, इसको ग्रो कैसे करना होता है, इसको फर्टिलाइज कैसे करना होता है, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। ये भी विंटर का काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कैलेंडुला प्लांट। कैलेंडुला प्लांट में भी काफ़ी कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, वाइट, ऑरेंज, येलो, तो ऐसे कलर्स में आप ले सकते हैं, ये आपको मिल जाते हैं। या आप जरबेरा भी ले सकते हैं, सेम ऐसे ही आपको लगभग इसकी लीव्स दिखेंगी पर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो जरबेरा भी बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है, आप वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों क्रिजेंथीमम प्लांट्स की। तो अभी ये फिलहाल जो नर्सरी पे है, विंटर जो है अब धीरे धीरे जो है ठंड बढ़ना स्टार्ट होगी, तो ये अपने आप इसमें जो बर्ड्स हैं वो भी खिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखिए इसमें भी काफ़ी सारी बर्ड्स आ चुकी हैं, तो ये आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। ना सिर्फ इस नर्सरी पे, आप जहाँ भी रहते हैं आप वहाँ से जाके इजीली आप परचेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ताकि आपको जो है वैरायटीज़ का अंदाज़ा हो सके, आप जाके परचेज कर सकते हो कि हाँ ये जो है फ्लावरिंग प्लांट्स मिल जाते हैं इजीली विंटर पे, तो आप उसको अपने घर पे इजीली लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये लास्ट ईयर के शायद इनके पास नर्सरी पे लगे हुए हैं, तो देखिए कितनी प्यारी अभी फ्लोरिंग में आया है। अगर आपके घर पे भी क्रिजेंथिमम है तो वो भी आप शायद फ्लोरिंग में आ गए होंगे, क्योंकि जो मुझे फॉलो कर रहे हैं दोस्तों इतने सालों से, तो वो जानते हैं कि उनकी जो देखभाल कैसे करनी होती है और उसको सिक्योर कैसे करना है, लास्ट ईयर जो आपके प्लांट है उसको बचा के कैसे रखना होता है। क्योंकि जो मोस्टली जो विंटर के प्लांट्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं दूसरे वेदर्स में, समर्स में खास करके, तो उसको बचाना कैसे होता है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आप मुझे से फॉलो कर रहे हैं, आप मेरे स्टार्टिंग से सब्सक्राइबर हैं, तो आपको ये जरूर ही मालूम होगा कि आखिर अपने प्लांट को कैसे केयर करना है, कैसे उसको बचाना है, कैसे फर्टिलाइज करना है, कैसे लाइटिंग प्रोवाइड करानी है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। अगर आपको नहीं पता है और आप वीडियोस आपको अच्छी लग रही है, तो अभी आपको नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और चलते हुए मुझे यहाँ पर दिख गए हैं कुछ हिबिस्कस के प्लांट, ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं, और इस समय भी आपको नर्सरियों पर मिल जाते हैं। काफ़ी सारी पूना वैरायटी आती है, महाराष्ट्र वैरायटी आती है, तो आप वो सब ले सकते हैं, काफ़ी प्यारे होते हैं, क्योंकि ये जो है परमानेंट प्लांट होते हैं हिबिस्कस वगैरह, तो आप इसको ले सकते हैं। तो आपके ये जो है आप एक बार अपने घर पर लगा दोगे तो हमेशा के लिए आपके जो है ये घर पर रहेंगे और फ्लोरिंग आपको देते रहेंगे। ये आपको मैं एक बार पूरा ओवरव्यू दिखा देता हूँ नर्सरी का कि ये आखिर दिखती कैसे है यहाँ से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे जो है प्लांट्स आ चुके हैं। अभी नर्सरी काफ़ी भरी भरी दिख रही है, और आगे जो है दोस्तों काफ़ी सारे ट्रीज़ लगे हुए हैं, जैसे मैंगो के और चीकू वगैरह के, नींबू के, अगर आप वो सब लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएंगे। और मैं अगर कैमरे को इधर टर्न करूँ तो इधर पे आपको कुछ ये पाम्स की वैरायटी मिल जाएगी, कुछ यहाँ पर सो प्लांट्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो विद्या, क्रोटन, अरेका पाम, और यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के लेडीज़ पाम लगे हुए हैं, यहाँ पे फाइकस, साइकस, काफ़ी तरह के ड्रेसीना। तो ओवरऑल ये जो है काफ़ी अलग अलग वैरायटीज़ के जितने भी प्लांट होते हैं आपको सारे ही मिल जाएंगे। बट आपको ये होता है कि आप जब भी आओ नर्सरी तो प्लांट का आप नाम पता करके रखो, या तो आप उसकी फ़ोटो दिखाओ, तो आप इजीली जो है यहाँ नर्सरी से उसे ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये कुछ जो है अभी पनीरी लग रही हैं, मतलब अभी ये प्लांट्स रेडी हो रहे हैं, कुछ दिन में ये फ्लोरिंग पे आ जाएंगे और ये भी सेलिंग पॉइंट में पहुँच जाएंगे। तो आप अभी अगर चाहते हैं तो इसको बेबी प्लांट को भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो हो सकता है कि आप अभी इसको ना लगा पाए अपने घर पर, अगर आप एक्सपीरियंस गार्डनर हैं, आप काफ़ी दिनों से जो है गार्डनिंग कर रहे हैं, तो आप इजिली इसको परचेज करके अपने घर पर उसको भी लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर भी कितना प्यारा है इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, यहाँ भी काफ़ी सारे जो है प्लांट्स अब रेडी हो रहे हैं सेलिंग पॉइंट्स में जाने के लिए। और यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने एंट्रेंस बनाया है, देखिए यहाँ पे हैंगिंग बास्केट में वैंड्रिंग जू लगा हुआ है, और देखिए ये कितना प्यारा व्यू देता है यहाँ आने के लिए। तो नर्सरी में आने के बाद आपको एक चीज़ बहुत अच्छा है कि आपको प्लांट के बारे में पता भी चलता है, साथ में ये भी पता चलता है कि आखिर आप उसको लगा कैसे कैसे सकते हैं अपने घर पर। और ओवरऑल जो अगर आप अपने घर पर लगाते हैं, काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं होता है प्लांट के अकॉर्डिंगली कि कैसे उसको लगाना है, कौन सा प्लांट हैंगिंग पर लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा, तो ये सब आपको नर्सरी आके ही पता चल जाता है। सो लास्ट में जैसे मैंने आपसे वादा किया था, तो मैं आपको ये बैनर दिखा दे रहा हूँ, इसमें आपका जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, ईमेल्स आईडी है, और आप ये नाम देख रहे होंगे, आप यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं। और आप आके अगर मेरा नाम भी लेते हो तो आपको कुछ परसेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप इजीली आप आके बोलिए कि वाओ गार्डनिंग्स का हमने व्यूअर्स हैं, हम उसको देख के आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको जो है यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बस अब आपके साथ में जो है वीडियो यहीं तक जो है शेयर करूँगा।
आई थिंक जो मैं आपको दिखाना चाहता था आपने इंजॉय किया होगा इस वीडियोस पर। अगर आपने वीडियो इंजॉय किया है तो आपको पता है आपको करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और नीचे दिए गए रेड बटन को सब्सक्राइब को दबाना है। तो उससे क्या होगा कि आप सब्सक्राइब मुझे कर लोगे और आपको ऐसी डेली डेली अच्छी अच्छी जो है प्लांट्स केयर की वीडियोस और ऐसे गार्डनर ओवरव्यू और नर्सरी ओवरव्यू मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोस पर किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग। तो आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ कमी लगी है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट पर। कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा है वीडियो पर तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।